हेलो गाइस, वेलकम टू सेंट्रल लाइटिंग इंडस्ट्री। और आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ के आए होंगे कि मैं आपको किस चीज़ के बारे में बताने वाला हूं, आज मैं 9 वॉट के HPF ड्राइवर के बारे में बात करने वाला हूं, जो हम ड्राइवर सेल करते हैं हमारे कस्टमर्स को, वो कैसा है, क्या है उसमें, क्या क्या फ़ीचर्स हैं, ठीक है ना, और किस जनरेशन का है, कैसा है, ठीक है, इसके क्या फीचर्स हैं, मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा। आप इस ड्राइवर को लेके क्या मतलब कितनी क्या गारंटी दे सकते हैं, आप आज मैं सब इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो को चालू करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे ड्राइवर आ रहे होंगे, ठीक है ना, और यही ड्राइवर हम कस्टमर को सेल करते हैं 9 वॉट के अंदर। जो भी 9 वॉट का मटेरियल ऑर्डर करते हैं हमारे पास से, तो हम उसको यही वाला ड्राइवर देते हैं, ठीक है। और ये वाला ड्राइवर क्यों देते हैं, इसका मैं आपको वजह बताऊंगा, बड़ी फ़ायदे वाली वजह है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये जो ड्राइवर है आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर काफ़ी अच्छे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। इसमें अपना ट्रांसफॉर्मर है, और ये अपना कैपेसिटर भी है इसमें, ठीक है, एक MOV लगा हुआ है, और अपने दो EF है, एक फ्यूज़ है, ड्रम कॉयल है, ठीक है ना। तो ये सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, बट पीछे इसमें एक ही IC लगी हुई है। तो लोग एक IC को देखकर थोड़ा सा मतलब लो फील करते हैं, कहते हैं कि सर इसमें एक IC लगी हुई है, ये ड्राइवर का लाइफ अच्छा नहीं है, ये है वो है, इसमें सर ये बेकार ड्राइवर है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ इस ड्राइवर के पीछे जो एक IC लगी है, इस एक IC ही मतलब बहुत अच्छा काम करती है इसके अंदर। ये काफ़ी न्यू जनरेशन की IC है, ठीक है ना, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की IC है, और इसके मैं आपको कुछ फ़ीचर बताऊंगा जिससे आप इस ड्राइवर को लेने पर मजबूर हो जाएंगे, ठीक है ना। इतना बढ़िया ड्राइवर है, इतना काफ़ी अच्छा ड्राइवर है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके मॉडल को अपन जानते हैं, ठीक है। इसका जो मॉडल नंबर है वो है MT9526SF। ये मैक्सिक की इसमें IC लगी है, और हमारी कंपनी की खासियत ये है, हम एक जैसा मटेरियल सेल करते हैं, कभी भी मटेरियल चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये अभी नया ड्राइवर मतलब अभी स्टॉक में है, न्यू जनरेशन, क्योंकि जो अपनी ICs हैं वो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। तो हमारी कंपनी ने हमारे मैन्युफैक्चरर के द्वारा ये ड्राइवर को डिज़ाइन करवाया है, जिसमें आपको मैक्सिक की IC लगा के दी है। तो ये मैक्सिक की IC क्या है, मैक्सिक की IC के मैं आपको कुछ फ़ीचर बताता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उनका ये जो मैक्सिक कंपनी का ये पेपर है जिसमें ये IC लगी, आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने ड्राइवर पे आपको दिखाया था, ड्राइवर पे मैंने आपको दिखाया था कि ये इस IC का नाम है क्या है, आप देख फोकस में कर पा रहा हूँ, ये देखिए MT9526SF, ठीक है, MT9526SF। कुछ इसके फीचर्स लिखे हुए हैं, मैं कुछ फ़ीचर आपको बताता हूँ जो बहुत ही हाईलाइटेड फ़ीचर लगे मुझे, काफ़ी अच्छे लगे। जो सबसे पहला जो फ़ीचर है इसके अंदर, इंटीग्रेटेड ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं। तो इंटीग्रेटेड ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, इस IC के अंदर IC का भी वर्क करता है और ये ब्रिज रेक्टिफायर का भी वर्क करता है, मतलब ये 2-in-1 IC है इसके अंदर, ठीक है ना। और इसका मैं और एक और फीचर बताता हूँ, इसका जो फीचर है इंटीग्रेटेड इनपुट OVP, OVP का मतलब होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ठीक है ना। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन क्या होता है, जब लाइट तेज़ आती है तो इसके अंदर जो IC है, इसके अंदर जो IC लगी हुई है वो क्या करती है, इसको इस बल्ब को या इस ड्राइवर को वो बंद कर देती है। तो OVP का मतलब क्या होता है, व्हेन इनपुट वोल्टेज इज हायर देन 375 वोल्टेज, ठीक है ना। तो क्या रहता है, जब 375 से ज़्यादा वोल्टेज आता है तो ये जो IC है वो उसको टर्न ऑफ कर देती है, ठीक है ना। और फिर क्या होता है, जब वोल्टेज थोड़ा सा कम हो जाता है, 320 पर आ जाता है, फिर उसको जो आपका LED बल्ब होता है उसको चालू कर देती है। तो ये इसका काफ़ी अच्छा फीचर है, इसको बोलते हैं ऑटो पावर कट, ठीक है ना। ऑटो कट वाला होता है, जिसमें क्या है, जब लाइट कम रहती है, 80 के वोल्टेज में आती है, तब तो वो तो हर ड्राइवर में फीचर होता है ये वाला। आप कोई भी ड्राइवर लेंगे, कोई भी ड्राइवर वाला बल्ब लेंगे, उसमें मतलब जिसमें IC लगी होगी वो उसके अंदर ये सर्च फीचर होता है कि जब लो मतलब जब ड्राइवर 80 से कम वोल्टेज जाता है तो वो अपने आप बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक फीचर और एक्स्ट्रा किया गया है, वो है अपना ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वाला। तो 375 के वोल्टेज में इस ड्राइवर को वो
बंद कर देती है ये वाली आईसी, तो इससे आपका जो ड्राइवर है खराब होने से बच जाता है, आपका एलईडी खराब होने से बच जाता है ओवर वोल्टेज में, ठीक है ना। और इसका एक फीचर और है, इसमें क्या है, पावर ऑन सॉफ्ट स्टार्ट। इसमें क्या रहता है कि अपन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को जब चालू करते हैं तो एकदम से चालू होता है, एकदम से मतलब उसमें पावर जाता है। तो आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पर जो अप्लाइंसेज रहते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज रहते हैं, उनमें एक आप स्टेबलाइजर लगाते हैं। स्टेबलाइजर का काम क्या होता है कि जो पावर को वो थोड़ा सा, जो अल्टरनेट आपके यहाँ करंट आ रहा होता है उसको थोड़ा सा वो सॉफ्ट कर देता है, ठीक है ना, वो थोड़ा अनस्मूथ होता है, थोड़ा स्मूथ कर देता है वो उसे, ठीक है। तो क्या होता है जब अपन किसी अप्लायंस को चालू करते हैं तो वो बड़े मतलब अच्छे से चालू होता है, स्मूथली चालू होता है, सॉफ्ट स्टार्ट होता है। सॉफ्ट स्टार्ट होने से क्या होता है, उस अप्लायंसेस की जो लाइफ होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है और वो ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। ऐसी इस ड्राइवर का फीचर है। इसमें क्या है कि इसको ये जो आईसी लगी हुई है, जो इंटीग्रेटेड आईसी लगी हुई है जिसमें ब्रिज रेक्टिफायर इंटीग्रेटेड है और इसमें ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी दिया गया है, तो इसमें काफ़ी हद तक इसमें सॉफ्ट पावर मतलब स्टार्ट होता है। जब आप इसको चालू करते हैं तो वो एकदम से चालू नहीं होता है, थोड़ा सा मतलब आपको नहीं लगता है क्योंकि कुछ माइक्रो सेकंड्स, कुछ नैनो सेकंड्स का काम होता है, लेकिन वो सॉफ्ट स्टार्ट होता है, जिससे क्या ड्राइवर की लाइफ और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है और ड्राइवर जल्दी ही ख़राब नहीं होता है। तो आप इसमें इस ड्राइवर को लेकर आप निश्चिंत होकर, जो ऑटो कट ड्राइवर है जिसको ऑटो कट बोलते हैं, ऑटो कट चल रहा है, तो ऑटो कट मैंने आपको समझा दिया है कैसे क्या रहता है, मैंने आपको उसका पूरा जो ऑफिशियल डेटा है मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, जो इसमें कंपनी दावा कर रही है मैंने आपको वो बताया है। तो ऑटो कट इसको भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये ऑटो कट ड्राइवर है अपना, आप इसको लेके परचेस करके आप इसको कम से कम 2 साल तक की वारंटी दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, जिससे आपको कोई क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो आप वो पूछ सकते हैं कमेंट में, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।